हेलो एंड वेलकम ऑल। सो टुडेज टॉपिक इज शेप एंड स्पेस, और ये जो टॉपिक है ये क्लास 1 CBSE बोर्ड सिलेबस में इंक्लूडेड है, और ये व्लॉग 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो इस पार्ट में मैं आपको आज इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके एग्जांपल और इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊंगी, और इसका जो कंक्लूडिंग पार्ट होगा उसमें मैं कुछ वर्कशीट लूँगी इस टॉपिक से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला जो शेप है वो है स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर में चार साइड्स होती हैं और चारों जो साइडें होती हैं वो बराबर लेंथ की होती हैं, ठीक है। अब इसका एग्जांपल क्या हो सकते हैं, कैरम बोर्ड। तो जो कैरम बोर्ड होता है वो स्क्वायर शेप का होता है, ठीक है, मतलब उसमें जो चारों साइड्स होती हैं वो बराबर लेंथ की होती हैं। फिर लंच बॉक्स, बहुत सारे लंच बॉक्स जो हैं वो स्क्वायर शेप में होते हैं, तो वो एग्जांपल हो जाएंगे स्क्वायर के। उसके बाद हमारा सेकेंड शेप है रेक्टेंगल। स्क्वायर में चारों साइड्स बराबर होती, लेकिन रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स बराबर होती, मतलब इक्वल लेंथ की होती हैं। अच्छा, जैसे रेक्टेंगल में दो साइड्स जो हैं वो लंबी होती हैं, ठीक है, मतलब ज़्यादा लेंथ की होती हैं, और जो बाकी की दो साइड्स होती हैं वो उनकी जो थोड़ी जो लेंथ होती है वो कम होती है। तो इसका एग्जांपल हो सकता है बुक। हमने बुक देखी होगी कि मतलब दो साइड्स जो हैं वो इक्वल मतलब लंबी होती हैं, और जो बाकी की दो साइड्स होती हैं वो थोड़ी उससे छोटी होती है मेजरमेंट में। फोटो फ्रेम, ये भी एक एग्जांपल है रेक्टेंगल का। उसके बाद हमारा थर्ड शेप है ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में फोर साइड्स नहीं होती है, ट्रायंगल में थ्री साइड्स होती हैं, ठीक है। एग्जांपल हम ले सकते हैं वॉल क्लॉक। बहुत सारी वॉल क्लॉक मतलब जो दीवार की घड़ी होती हैं वो ट्रायंगल शेप में आती हैं, या फिर हम सैंडविच का एग्जांपल भी ले सकते हैं। तो जो सैंडविच है उसका शेप कैसा होता है, वो ट्रायंगल शेप का होता है, ठीक है। उसके बाद आता है सर्कल। अब सर्कल में कोई भी साइड नहीं होती है, ये क्लोज कर्व होता है, ठीक है। अब इसके एग्जांपल हो सकते हैं क्लॉक, घड़ी भी हो सकती है, ठीक है, प्लेट हो सकती है, वो सर्कुलर शेप में होती है, कॉइन हो सकता है, जैसे कि 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का। तो ये सारे एग्जांपल होते हैं सर्कल के। अब यहाँ पे सर्कल के बाद आता है सेमी सर्कल, ठीक है। तो सेमी सर्कल मतलब यानी कि जो कंप्लीट सर्कल होता है, सेमी सर्कल मतलब उसको आधा कर दिया जाए, उसको काट दिया जाए। तो जो हाफ सर्कल होता है उसको कहा जाता है सेमी सर्कल, ठीक। उसके बाद हमारा नेक्स्ट शेप है स्टार। स्टार का सबसे अच्छा एग्जांपल है कि हमें आसमान में बहुत सारे क्या दिखाई देते हैं, स्टार्स दिखाई देते हैं, तारे दिखाई देते हैं, ओके। अब इसके बाद हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने फिगर्स बना दी, मतलब स्क्वायर की फिगर बनाई जैसा कि हम देख सकते हैं, फिर मैंने रेक्टेंगल की फिगर बनाई है, फिर मैंने ट्रायंगल की फिगर बनाई, और उसके बाद सर्कल ड्रॉ किया है और इसको कॉलम्स में डिवाइड कर दिया है। अब सबसे पहले हम इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, मतलब उसकी कितनी साइड्स होती है। अगर हमसे कोई पूछे कि स्क्वायर में कितनी साइड्स होती है, तो हमको पता होना चाहिए स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4, मतलब 4 साइड्स होती हैं, ठीक है, जैसा कि फिगर में हमको दिख रहा है। उसके बाद है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में कितनी साइड्स होती है, रेक्टेंगल में भी 4 साइड्स होती हैं, ठीक। उसके बाद आता है ट्रायंगल। ट्रायंगल में 4 साइड्स नहीं होती हैं, ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, और जैसा कि हम फिगर में देखकर काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में या कोई भी ट्रायंगल हो उसमें 3 साइड्स होती हैं। उसके बाद आता है सर्कल। सर्कल में कोई भी साइड नहीं होती। अगर कोई हमसे पूछेगा कि सर्कल में कितनी साइड होती है, तो सर्कल में साइड नहीं होती, वो एक क्लोज कर्व होता है, मतलब एक सर्कल होता है, एक गोला होता है, ठीक। उसके बाद इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, वो है इक्वालिटी, मतलब उसमें जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं कि अनइक्वल होती हैं, क्या होता है, तो हमको ये बताना है इसमें। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, जो स्क्वायर है और फिगर में देख के ही पता चल रहा है कि इसमें जो चारों साइड्स हैं वो इक्वल लेंथ की हैं, और हम इसको स्केल से मेजर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक साइड 4 सेंटीमीटर की है, तो बाकी की 3 साइड्स भी 4 सेंटीमीटर की होंगी। इसका मतलब ये है कि स्क्वायर में चारों साइड्स की जो लेंथ है वो बराबर होती है, ठीक है, एक समान होती है। उसके बाद आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में चारों साइड्स बराबर नहीं होती, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, जैसे कि दो साइड्स की लेंथ थोड़ी कम होती है और दो साइड्स की लेंथ जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इस फिगर में भी जो अपोजिट साइड्स हैं, ठीक है, जो एक दूसरे के सामने आ रही हैं, उनकी जो लेंथ है, जो मेजरमेंट है, वो इक्वल होगा, ठीक। उसके बाद आता है ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, तो इसमें 3 कंडीशन हो सकती हैं, या तो तीनों साइड्स इक्वल होंगी,
ठीक है, या फिर दो साइड्स इक्वल होंगी या कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी, ओके। उसके बाद आता है सर्कल, सर्कल में जब साइड ही नहीं होती तो इक्वालिटी का कोई सवाल भी नहीं उठता है, तो इसमें नो साइड्स लिख देंगे हम, ठीक। उसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कॉर्नर्स। अब जैसे कोई हमसे पूछे कि स्क्वायर में कितने कॉर्नर होते हैं, तो हम आसानी से बता सकते हैं क्योंकि स्क्वायर में चार साइड्स होती हैं, अगर चार साइड होंगी तो चार कोने भी होंगे, चार कॉर्नर भी होंगे। उसके बाद आता है रेक्टेंगल, तो यहाँ मतलब साइड और जो कॉर्नर होते हैं, किनारे जो होते हैं वो इक्वल रहते हैं, तो रेक्टेंगल में भी चार साइड्स हैं तो इसका मतलब इसके भी चार कॉर्नर होंगे। फिर आता है हमारा ट्रायंगल, अब ट्रायंगल में थ्री साइड्स होती हैं तो इसका मतलब इसमें थ्री कॉर्नर्स होंगे। और उसके बाद लास्ट में आता है सर्कल, जब सर्कल में कोई साइड ही नहीं है तो कॉर्नर कहाँ से आ जाएगा, ये तो एक क्लोज कर्व होता है, तो यहाँ पर जब हमसे कोई पूछेगा तो हम बता देंगे कि इट हैज़ नो कॉर्नर्स, ओके। तो यहाँ पर मेरा ब्लॉग ख़त्म होता है और मैं आपसे जल्दी मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।